हाय गाइज, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइट्रोफ्यूरोंटाइन टैबलेट के बारे में। जानेंगे यह टैबलेट है क्या, इसके कंपोजिशन के बारे में, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसका कहां कहां यूज होता है, इसकी सही डोज क्या होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, इसके सारी जानकारी आज की इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। उससे पहले गुजारिश है आप लोगों से, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नाइट्रोफ्यूरोंटाइन एक तरह का साल्ट है, इसके सारे बहुत सारे ब्रांड नेम आते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे यूरीबीड, जो कि इंटास फार्मास्यूटिकल की है। यूरीबीड एक तरह का पेटेंट मेडिसिन होता है, यानी कि इसके राइट जो है इंटास के पास है। इसके एक स्ट्रीप में 15 टैबलेट आते हैं। इसके और बहुत सारे ब्रांड नेम आते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्ट आती है, नेप्टास आती है, अब काफ़ी अच्छी कंपनियों की हैं। बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें नाइट्रोफ्यूरोंटाइन सस्टेंड यानी कि एसआर के रूप में 100 mg नाइट्रोफ्यूरोंटाइन पाया जाता है, जो कि इसका मेन साल्ट होने वाला है। इसके बहुत सारे और ब्रांड नेम आते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्ट, नेप्टास वगैरह, जो कि मैनकाइंड की है, इंटास की है, तो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं वो भी। बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो यह शरीर में काम कैसे करती है, तो नाइट्रोफ्यूरोंटाइन ये अनयूजुअल एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है। आपके शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन हो रही हो तो इस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। ये टैबलेट बैक्टीरिया के जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है, जिसको इनएक्टिव करके अल्टर करके बैक्टीरिया के काजेज को रोकने का काम करती है। यानी कि आम भाषा में कहें तो ये बैक्टीरिया को ग्रोथ और उसको किल करने में मदद करती है। यानी कि कह सकते हैं कि नाइट्रोफ्यूरोंटाइन एक तरह का एंटीबायोटिक है। बात करें इसके यूजेज के बारे में, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है। नाइट्रोफ्यूरोंटाइन का यूज मेनली जो है UTI इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है। नाइट्रोफ्यूरोंटाइन मेडिसिन की जो क्लास होती है वो एक तरह की एंटीबायोटिक होती है, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल करने में, इसके ग्रोथ को रोकने में काम आती है। एंटीबायोटिक, इस एंटीबायोटिक का यूज आप कोल्ड, फ्लू या अदर वाले इन्फेक्शन में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर जुकाम हो गया है, बुखार हो गया, खांसी आ रही है, ईयर में इन्फेक्शन हो गया, कान में इन्फेक्शन हो गया, तो ये एंटीबायोटिक उन सब बीमारियों में काम नहीं आती है। बात करें इसके डोज के बारे में कि इसका डोज क्या क्या हो सकता है, तो अगर आपको बहुत कम इन्फेक्शन है UTI में, तो आपको एक टैबलेट 24 घंटे में इसको लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन लग रहा है तो आपको एक टैबलेट सुबह शाम इसे BD यूज कर सकते हैं। अगर आपको उससे भी ज़्यादा इन्फेक्शन दिख रहा है, तो आपके डॉक्टर या फार्मासिस्ट द्वारा जो आपको डोज प्रिस्क्राइब की गई हो, तो आप उसको उसी अनुसार लेना है, आपको खुद से इस टैबलेट को यूज नहीं करना है। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, किसको लेने के बाद आपको साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें आपको नाउजिया हो सकती है, उल्टी जैसी महसूस हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, आपको उल्टी आ सकती है, डायरिया हो सकती है, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख कम लगेगी, हेडेक हो सकता है, आपके सर में बहुत भारी दर्द हो सकता है, डिजीनेस, आपको चक्कर आ सकती है, चलने में थोड़ी लड़खड़ाहट महसूस होगी, एंड फीलिंग ऑफ स्लीपी, आपको नींद भी बहुत ज़्यादा आने वाली है इस टैबलेट को लेने के बाद। तो ये जानकारी थी यूरीबीड टैबलेट के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगा, और उसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि बैकग्राउंड में हवा का साउंड आ रहा, क्योंकि यहाँ पर आंधी बहुत ज़्यादा चल रही, छत पर वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए दिल से सॉरी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो आपको इसे शेयर करना है, वीडियो को भी लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।